पे कलम लेकर बैठ जाइए। इसके पहले हम लोगों ने गणित के महत्वपूर्ण 36 प्रश्न तक हल कर लिया था, अब उसके आगे पढ़ेंगे। इसके पहले एक बार हम लोगों ने पहले गणित को पढ़ लिया था, गणित क्या है, परसेंटेज क्या है, फिर परसेंटेज में हम सवाल को जो परीक्षा वाले प्रश्न हैं उनको लगाना शुरू किए थे। 36 तक हम लोगों ने प्रश्न को हल कर लिया था, अब हम लोग को उसके आगे हल करना था। चलिए सभी लोग मिलकर हल करते हैं और जानते हैं इस तरह के सवाल कैसे हल होते हैं। देखिए यहाँ पे जो सवाल दिख रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, माने दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ सकता है। अब कहेंगे सर ये तो मेंसुरेशन के सवाल है, ये सवाल तो मेंसुरेशन में लगते हैं, ये तो हम परसेंटेज में कैसे लगाए। बहुत ही आसान है, मैंने आपको शुरुआत में भी पढ़ाया है, आज ही भी पढ़ाएंगे। मैं एकदम अकॉर्डिंग टू रूल मैं आपको जो पढ़ाते आ रहा हूँ उसी के आधार पर हम इसको पढ़ाएंगे, और आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस तरह की प्रश्न कभी जिंदगी में आपके गलत नहीं होंगे। पहली बात तो हर वस्तु अपने आप में 100% होता है, हर वस्तु अपने आप में 100%, दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। भुजा को दोगुना कर दे, मैंने अगर अभी भुजा इसकी 100 है, अगर इसको दोगुना कर देंगे क्या हो जाएगा, ये 200% हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 200%। इसको लगाने का एक लाइन तरीका जो हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाते आ रहे हैं वही यूज करेंगे, ना कोई रूल ना कोई फॉर्मूला कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, माना क्षेत्रफल इसका अपने आप में 100% था, फिर गुणे उसकी क्षेत्रफल कितनी बढ़ेगी, 100 थी अब कितनी हो जाएगी, दो गुना हो गया, क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा, माने ये हो जाएगा 200/100 फिर गुणे 200/100। मैंने कहा था वर्ग वृत्त इस सब की जगह जब एक भुजा देकर समबाहु त्रिभुज एक भुजा देकर जब क्षेत्रफल पूछे गुणा दो बार करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा। ये 100-100 से क्लियर, ये लड्डू इससे क्लियर, ये 2×2=400, ये हो गया आपका 400। अब ये बताइए आपका क्षेत्रफल 100% से बढ़कर 400% हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आपको पता होगा कि आप लगातार क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता हो गया होगा कि +300% की वृद्धि होगी, कितने की +300% की वृद्धि होगी। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, किसी कोई डाउट किसी कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके पूछ सकता है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चाहे ये पेड क्लास के लिए चल रही है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग पे दुर्गेश सर डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पेड क्लास में भी इसको भेज दिया गया होगा, वहां से आप इसे उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये समझ में आएगा तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, माना भुजा उसकी 100 थी, दोगुना कर देंगे तो 200 हो जाएगी, और उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जब एक भुजा दे दो बार गुणा करना हो तो क्षेत्रफल पूछे दो बार गुणा करते हैं, ऐसा हमने शुरुआत से ही आपको पढ़ाते हुए मारे हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको गलती नहीं होना चाहिए था। मानो उसका क्षेत्रफल 100 था, 200/100 गुणे 200/100 करेंगे, दो बार करेंगे 400 आएगा, 100 से ज्यादा कितना ज्यादा 300, तो 300% की वृद्धि होगी। इस प्रकार इसका विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए ताकि हम लोग आगे सवाल हल करें, इसका जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग आसानी से हल करें। ठीक, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुनी कर दीजिए और उसकी चौड़ाई को 2 गुनी कर दीजिए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सोचिए आप लोग, बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसे लगाना चाहेंगे तो इसी आधार पर लगाएं, जिस आधार पर हमने भी आपको बताया है उसी आधार पर आप सभी लोग इसे आसानी से लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कह रहा 3 गुनी है क्षेत्रफल अपने आप में, उसकी लंबाई अपने आप में 100% होती है, 3 गुनी करेंगे तो 100×3 करेंगे तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अब 300%। अगर उसकी चौड़ाई 2 गुनी थी, माने पहले 100 थी, अब क्या कर देंगे 2 गुनी कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल चौड़ाई होगी 200% हो जाएगी, क्या हो जाएगी 200%। अब वही नियम कि माना पूरे आयत का पहले क्षेत्रफल 100 था, पहले हमने 100 लिख दिया, अब उसकी लंबाई कितनी हो गई 300% हो गई, क्योंकि 3 गुनी कर दी गई, 100 से 3 गुनी कर दी गई 300%, तो 300/100 ये हम आपको पढ़ाए हैं स्टार्टिंग में ही। अब उसकी चौड़ाई है 200% हो गई तो 200/100। ये क्वेश्चन अगर मेंसुरेशन से लगाएंगे एक एक पेज में सवाल लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे मुश्किल से 10 सेकंड में हल होगा सवाल। 100 100 से क्लियर, ये दो लड्डू से क्लियर, तो कितना हो जाएगा 600।
अब ये बताइए 100 से ज्यादा है या कम, ये 100 से ज्यादा है या कम, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 500 प्लस 500% की वृद्धि होगी। माने अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में लगा लेंगे, माने इस तरह के प्रश्न को लगाने में आपको मुश्किल से मुश्किल कितना समय लगेगा, 8 से 10 सेकंड। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी पहली है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक इस तरह के सवाल नहीं लगा पाएंगे। जी ये पेट क्लास के लिए चल रही, केवल इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले तरह के प्रश्न की तरफ। अब एक नया तरह के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न भी आपके सामने आएगा। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% कर दी जाए तो उसका परिणाम परिमाप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दे, ये प्रश्न नंबर 39 कैसे लगेगा। ठीक, देखिए इस प्रश्न को लगाने के लिए एक सिंपल तरीका है। जो परिमाप होता है किसी वस्तु का, जो परिमाप होता है, ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु को, दुनिया की कोई वस्तु का परिमाप निकालना है तो एक लाइन में याद रखिएगा कि उसके चारों तरफ की जो भुजा की लंबाई है वही उसका परिमाप होती है। जैसे आयत का परिमाप कह दे, जैसे आपके परिमाप क्या है, ये देखिए, इन सभी का योग कर दीजिए, माने ये 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 ये, इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, जो निकलेगा परिमाप। अगर किसी परिमाप को 50% कर देंगे, आधा कर देंगे, माने किसी भी भुजा की लंबाई को आधा कर देंगे, तो भैया जब उसका क्षेत्रफल आधा कर देंगे, सॉरी उसकी लंबाई, तो उसकी जो परिमाप होगी वो आधी हो जाएगी। इसलिए इसका उत्तर होगा 50%। बिना पेन उठाए आप लगा लेंगे, मतलब जैसे मैं आपको एक मिनट समझाना चाहूंगा, शायद आप उम्मीद करते हैं समझ भी जाएंगे। जैसे एकदम बेसिक में समझाऊंगा, जैसे मान लीजिए ये 20 मीटर था और ये 10 मीटर था, इसका जो परिमाप होगा कितना होगा, 20 20 40 10 50 10 60, इसका परिमाप होगा 60 मीटर। अब इसकी भुजा को आधा कर दे, 50% कर दे, देखिएगा 50% करने का मतलब ये 20 था इसे 10 कर दिए, ये 5 कर दिए। अब देखिए 10 10 20 5 5 10, तो ये हो जाएगा 30 मीटर, आधा हुआ, आधा हुआ ना। माने जब किसी भी आकृति के सभी भुजा का भुजा को आधा कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए, उसका जो परिमाप है वो अभी 50% होगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बिना कॉपी पेन उठाए आप इस तरह के प्रश्नों का जवाब तुरंत चुटकियों में दे सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आपको प्रश्न को हल करने के लिए कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर इस तरह के सवाल को हल करने के लिए। समझ में आ गया, यहाँ पे वर्ग का है, ये वर्ग का भुजा आधा कर देंगे तो क्षेत्रफल जो है उसका जो परिमाप है आधा होगा। क्षेत्रफल नहीं, परिमाप पूछा, पेरिमीटर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई समस्या हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जहां दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हैं। अगला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह का सवाल हमने करा दिया है पीछे लेक्चर में। चाय के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक को 80 रुपए में 4 किलोग्राम चाय अधिक मिलती है, चाय की वर्तमान दर क्या होगी। इसको लगाने का मैंने दो तरीका बताया था, एक नया भाव एक पुराना भाव। लेकिन यहाँ पे नया भाव पूछा है, क्या पूछा है, नया भाव। एकदम आसान एकदम बेसिक तरीका बताया था कि मात्रा बट्टे रुपया, या मात्रा बट्टे कम या ज्यादा मिलने वाली मात्रा। तो रुपया क्या है, 80 है, तो ये 80 रुपया में कितना कम या ज्यादा, 4 किलोग्राम बटे 4, बस। फिर गुणे कितना परसेंट कमी है, 20 कमी है बटे 100। दूसरा तरीका यहाँ पे है, यहाँ पे सेम तरीका, 80 बटे कितना है 4 गुणे 20 कमी का ना 20 बटे 100, एक से निकलेगा, सॉरी 80 हो जाएगा, हा? एक से निकलेगा नया भाव, एक से निकलेगा पुराना। चार से काटेंगे 20 से 20 20 50 100, 5 से कटेगा तो ये 4, तो ये आएगा 4 रुपया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये भी 80 है, ये 80 से 80 कट गया, 4 5 20, ये हो गया 5। अब बताइए इसमें नया भाव कौन सा है, पुराना भाव कौन सा है। नया भाव पुराना भाव दोनों निकलेगा। कमी होने से, जब कमी होने से ग्राहक को 80 रुपए में 4 किलोग्राम चाय अधिक मिलता है, बताइए इसमें से कौन सा नया भाव है कौन सा पुराना भाव है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए
इसका जो है ये नया भाव है, ये क्या है, ये नया भाव है और ये पुराना भाव है। इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, पहले लिखेंगे मूल्य, फिर उसका बटा कम या ज्यादा मात्रा, क्लियर। उसके बाद जो परसेंटेज है आर परसेंट गुणे में उसको लिखेंगे, उसके बटा अगर नया भाव पूछा है हमेशा 100 लिखेंगे, हमेशा 100 लिखेंगे नया भाव के लिए। अगर पुराना भाव है तो वही 100 प्लस माइनस करेंगे, कमी है तो 100 में माइनस, वृद्धि है 100 में प्लस, इतना कर देंगे तो आपका पुराना भाव निकलेगा। पुराना भाव 5 रुपया था, नया भाव 4 रुपया, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 4 रुपया ए इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। नया भाव 100, हमेशा नया भाव 100%, याद रखिएगा नया भाव हमेशा 100% होगा, क्लियर। किसी को डाउट, किसी को समस्या, जिसको कोई डाउट कोई समस्या हो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को हमने पढ़ा दिया है इसके पहले भी लेक्चर में, जो लाइव क्लास प्रतिदिन ले रहे होंगे पेड क्लास के लिए उन सभी को ये पता होगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे दुर्गेश सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़िएगा, इलेनी भी दुर्गेश से फेसबुक पेज, इलेनी भी दुर्गेश इरेज कर रहे हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न है सेम इसी तरीके का है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, जितना भी मासिक आय है उसकी 25% वो बचाता है, यदि मूल्य वृद्धि के कारण उसे अपना मासिक व्यय 25% बढ़ाना पड़े तो वह मात्र 250 रुपए प्रति माह बचा पाएगा, उसका मासिक वेतन क्या होगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट इसका कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, फटाफट जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो इसका जवाब जरूर देंगे, फटाक से जवाब दीजिएगा। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, मतलब जितना वो कमाता है, माने अगर वो 100% कमाता है, ठीक, 25% बचाता है तो कितना खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यदि मूल्य वृद्धि के कारण उसे अपना मासिक व्यय, जो मासिक खर्च है 75% जो था वो 25% बढ़ाना पड़े तो मात्र 250 रुपए प्रतिमाह बचा पाता है, माने जब 75% का 25% बढ़ा देता है तब वह मात्र 250 रुपए प्रतिमाह बचा पाएगा, उसका मासिक वेतन क्या होगा। एक बार सभी लोग इसे लगाने का प्रयास करिए, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं आपको स्वयं इस प्रश्न को हल करके बताऊंगा ये प्रश्न कैसे लगेगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग कैसे ये हल होगा। बताइए, देखिए इसको हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए वो यहाँ पे माना उसका जो वेतन था अपने आप में पहले 100 था, क्या था पहले उसका वेतन 100 था। पहली बार लगाइए, लगाइए, लग गया ठीक है, नहीं लगता फिर हम आपको बताते हैं। सभी लोग ट्राई करिए, जितने लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसको ट्राई करें एक बार, फटाफट सभी लोग ट्राई करें। कह रहा पहले 75% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पे हम लोग वृद्धि करेंगे, पहले देखिए 100 रुपए कमाता था और 25 रुपए बचाता था, मैंने 75 खर्च करता था, तो हो जाएगा आपका 75/100। फिर कह रहा है उसने अपना मासिक पे 25% बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना है, 25 मैंने 125/100 बढ़ाना पड़ेगा। इसी को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं कितना आपका है, ये 100 से क्लियर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, 125, 25, 24, 100, ठीक, ये हो जाएगा आपका 75/3, 75/3 क्या हो जाएगा आपका 375/4, ये 100 से कम है या ज्यादा, इसको 100 से कम है इसको घटा देंगे 100 में से, अगर 100 में से इसको घटाएंगे तो 375/4, तो 400 में से गया तो 25/4 या आपका आ गया परसेंट। इसका मतलब उसकी आय में क्या होगी, कितने परसेंट का कमी या होगा, 100 से ये कम हो गया, कितना कम हो गया, 25/4% की कमी हो गई। अब यहीं पे कह रहा है यदि 25/4% बराबर कितना हो, 250 रुपया,
अब यही कह दे रहा है यदि 25/4% बराबर 250 रुपया हो तो कैसे लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। एकदम आसान तरीका इसको हल करने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ताकि आपको लगाना आसान हो जाए। यहाँ पे हो जाएगा 25 ऐसे बटे 4% बराबर 250%। उसको ले जाएंगे पलट उल्टा हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जगह है यहाँ पे, मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1% बराबर 250 इंटू पलट जाएगा 4/25। कुल पूछा है मासिक वेतन अपने आप पे 100% होता है, गुणे 100 कर दीजिए, 25 एक का 25, 25 चौका 100, तो 25 चौका 100 चौका 400 माने 4000 उसका जो वेतन होगा वो 4000 होगा। मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, एक बार आप इसे अपने मन से हल करिए, अगर आगे तो ठीक है वरना मैं इसे दोबारा समझाऊंगा। एक बार इसे पहले अपने मन से समझ कर हल करिए, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं इसे दोबारा समझाऊंगा। आराम से लगाइएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग आराम से लगाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आ गया तो ठीक, नहीं आता है तो मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। जी हाँ, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक समझाएंगे हम फटाफट। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का जो मासिक, एक व्यक्ति जो है उसका जो मासिक, ध्यान से देखिएगा, मासिक आय जो का 25% बचाता है, माने अगर वो 100% कमाता है तो 25% बचाता है, खर्च कितना किया 75%। यहां तक क्लियर हो गया, माने अगर एक व्यक्ति या मैं ही जितना भी कमाता हूं अगर मैं उसका 25% बचाता हूं तो खर्च कितना किया 75%। क्लियर, माने 100% का 75% वो क्या करता है, खर्च करता है, 25% बचाता है। ये लाइन क्लियर। अगली लाइन क्या कर रही है, यदि मूल्य वृद्धि के कारण उसे अपना मासिक व्यय 25% बढ़ाना पड़े। अगर महंगाई बढ़ गई, अगर महंगाई बढ़ेगी तो भैया खर्च बढ़ेगा, तो जब उसका महंगाई बढ़ जाने से उसकी 25% खर्च बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो अब उसकी बचत जो हो रही है वो 250 रुपया, क्या हो रही है 250 रुपया। तब हम क्या करेंगे, पहले मानो उसका वेतन 100% था, गुड़े पहले कितना खर्च करता था 75, मैंने क्लियर कर दिया 75/100 खर्च करता था, फिर गुड़े अब उसकी खर्च बढ़ गई कितनी 25, अब कितनी हो जाएगी 125/100। जब इसको हमने हल किया तो हमारा 375/100 आया, हमने देखा 100 से कम है, कितना कम है 100 में से घटा दिया, पता चला 25/4% है। तो यहाँ पे दिया है कि 25/4% बराबर 250 रुपया हो गया, क्योंकि यही खर्च ना उसका, इसकी जो बचत कमी होगी और 250 रुपये की होगी, तो 25/4% बराबर 250, तो 1% बराबर, तो हमने यहाँ पे देखा कि 1% बराबर, 1% बराबर क्या निकल जाएगा, यहां से ध्यान दिखेगा, 1% बराबर हमारा 250 × 4/25। पूछा खर्च, खर्च माने मासिक खर्च, मासिक खर्च अपने आप में 100% होता है, गुणे 100 कर, तब आपका आएगा 4000 रुपया। जो व्यक्ति था जो उसका मासिक खर्च वो कितना था, वो 4000 रुपया था, इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। क्लियर, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि देखिए एक वीडियो देखने से क्लियर नहीं होगा, सारी वीडियो सीरीज बाई क्रम से देखते चलेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले हम गणित में आपको पूरा समझा देते हैं कैसे सवाल हल होगा, कैसे लगेगा, उन सबको तथ्यों को सल्व बताने के बाद तब हम आपके सामने प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी भी समय दिक्कत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा में इरेज करने जा रहा हूं। अगला आपके सामने आ चुका है प्रश्न, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। ये प्रश्न नंबर 42 मुझे लग रहा है थोड़ा सा अधूरा है, प्रश्न नंबर 42 थोड़ा सा अधूरा है, मैं इसे थोड़ा सा सही कराना चाहूंगा, इसे मैं सही कराना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न गलत हो गया है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% गणित, 65% अच्छा यहाँ पे 70% अंग्रेजी में, 65% गणित में, देखिए यहाँ पे गलत टाइप हो गया है,
65% गणित में, 65% गणित में क्या हुए हैं, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, गणित में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक। और दोनों विषयों में अगर देखा जाए तो 27% अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में, दोनों विषयों में यहाँ पे देखिएगा 27% अनुत्तीर्ण हुए हैं, माने ये दोनों पास हैं, ये भी पास है और ये भी पास है और ये फेल है। अब पूछा है लास्ट में, ध्यान से देखिएगा कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या, सभी को उत्तीर्ण कर देते हैं, अरे इनको उत्तीर्ण करेंगे, इसको मैंने गोला बना के आपको समझाया था, यहाँ पे गोला बना दिया, यहाँ पे गोला बना दिया, ठीक। ठीक, अब देखिए 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, क्लियर, 65% अंग्रेजी में। अब ध्यान से देखिएगा 27% जो विद्यार्थी है, 27% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 27 जब दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण कितने हुए, तो भैया 100 में से अगर 27 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 73, जो 73% विद्यार्थी है, 73% वो क्या है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे लिख दिया 73, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, कैसे उत्तीर्ण हुए हैं, 100% होता है जब 100 में 27 अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण अब सभी उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो गए, कि ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ, केवल इंग्लिश में कितने हैं, तो भैया 73 घटा दीजिए, तो कितना होगा -3, इसमें से भी 73 घटा दीजिए, क्योंकि केवल अगर मैथ पूछेगा 73 घटा दीजिए, -8, सबको जोड़ दीजिए, -3 +73 -8, 8 3 11, 73 में से -11 जाएगा तो कितना बचेगा, 62%। तो दोनों विषयों में 62% अभ्यर्थी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 62% होगा। मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ, प्रश्न को पढ़कर समझा रहा हूँ, आपके जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा प्रश्न मैंने करा दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में जबकि 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा दोनों विषयों में 27% अनुत्तीर्ण होते हैं, इस प्रकार उस परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बहुत ही आसान तरीका है, पहले मैं क्या करूंगा, सबको उत्तीर्ण कर लूंगा। सबको उत्तीर्ण कैसे करना है, पहले तो दो गोला बनाएंगे, बीच वाले हिस्सा रख देंगे, तो पहले 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं, 65% गणित में, 73 दोनों में पास हुए, कैसे पता चला, 100% में अगर 27 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, 73%, तो 73 केवल इसमें -3 इसमें -8 तीनों को जोड़ दिए तो 62% का उत्तर आ गया। जी हाँ, 62%, तो देख लीजिए 62% है, हाँ 62% आ गया। इस प्रकार दिया गया जो प्रश्न है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ऐसा मैंने पढ़ा दिया है पहले स्टार्टिंग में, और पढ़ाते समय मैंने बता दिया था इस तरह के सवाल आएगा तो आपको ऐसे लगा लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ा देने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक होगा, जरा आप लगाइए प्रश्न, थोड़ा सा ये भी गलत टाइप है क्या, एक मिनट रुके देख लेते हैं, एक मिनट हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 43। एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30% पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है, चलिए डायरेक्ट लग जाएगा, ये तो डायरेक्ट लग जाएगा कि एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ा दिया जाए, तो मानो उसका पहले क्षेत्रफल 100 था, पहले कितना बढ़ाया गया 30 130 बटा 100, फिर कितना बढ़ा रहा है 20, माने 120 बटा 100, 100 100 से क्लियर, ये लड्डू इससे ये लड्डू इससे, 13 × 12 13 × 12 करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 26 और 13 × 13 = 15 156, 100 से ज्यादा है कम, ज्यादा है कितना ज्यादा है +56, तो +56% की वृद्धि होगी। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका
राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को एक्स वाई मानकर लगाएंगे तो ये पेज एक एक पेज में लगेगा, लेकिन हम लोगों ने इसे चुटकियों में हल कर दिया। मान इस तरह के जो सवाल है आप इसे 10 से 15 सेकंड ज्यादा ज्यादा लगेगा, एक बार समझ लेंगे। इसीलिए मैंने जब पढ़ाया था पहले इसकी भूमिका पढ़ा दी थी ताकि जब प्रश्न को हल करना शुरू किया जाए तो वहां पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न होने पाए। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं, जो भी साथी लाइव देख रहे हैं साथी, कोई भी डाउट होने पर आप दोबारा तिबारा पूछ सकते हैं, तब तक जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी आप ले सकते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आप लोग कमेंट करिए, जो भी लाइव देख रहे हैं पेड क्लास के लोग वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर उसके क्षेत्रफल में क्या होगा। उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का जवाब दे देंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। मैंने जवाब देने के साथ ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आया, ये प्रश्न मैंने करा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करा दिया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत या समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग देखें समझें तो 4% की कमी की बात कर रहा है। पहले मानो उसका क्षेत्रफल 100 था, कितनी वृद्धि की गई 20, माने 120 बटा 100, फिर कमी की गई कितना 20 हो गया 80 बटा 100, 100 से क्लियर, ये लड्डू इससे, ये लड्डू इससे कसर 12 × 96, 100 से ज्यादा है कम, कम है कितना कम है तो भैया -4%, तो कितने परसेंट कमी होगी, 4% की कमी होगी। डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा वो डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ध्यान से देखिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अच्छा वही प्रश्न तो आ गया दोबारा, अभी जो मैंने बताया था वही आया है, इसको लेकिन दूसरे तरीके से लगाना है। 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में 248 विद्यार्थी हों, यदि दोनों विषय में 248 विद्यार्थी हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। फटाफट कमेंट करके बताइए, इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। यदि दोनों विषयों में कुल 248 विद्यार्थी हो तो संख्या बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। अभी इस तरह के सवाल को हमने लगाया था, उम्मीद करता हूं आप लोग लगा लेंगे। चलिए सबसे पहले दोनों विषयों में अगर 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, इसको लगाने के लिए हमने भी कुछ देर पहले दो डायग्राम बनाया था, एक डायग्राम छोटा बन गया, सबको पास करते हैं। पहले कह रहा है कि 70% अंग्रेजी में, यहाँ पे 70% पास हो गया, गणित 65%, गणित वाले में 65% पास, दोनों में 27% अनुत्तीर्ण, अगर इनको उत्तीर्ण करना 100 में से घटा देंगे, जब हम 100 में से 27 घटा देते हैं तो पास कितने होंगे, 73% दोनों विषयों में पास होंगे। ठीक है, दोनों विषयों में क्या होंगे, 73% पास होंगे, 73% पास होंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अभी मैंने पढ़ाया था इसको, जस्ट अभी बताया मैंने, यहां से अब इसमें 73 घटा दीजिएगा, 73 घटा देंगे तो -73, तब -3%, -73, -8%, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 73 -8 बराबर 62% पास होंगे। कितने हो गए, 62% पास। अब इसी 62% का मान यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि 62% बराबर 248, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 62% बराबर 248, तो 1% बराबर 248 बटे 62% के लिए कुल पूछा है, कुल विद्यार्थी अपने अपने 100 होते हैं तो क्या करिएगा, 100 कर दीजिए बस,
अब काटिए, 62 अट्ठे होगा कितना होगा, देखिए कितनी बार जाएगा, काटिए एक बार डिवाइड करिए, 62 एक का 62, 62 चौका 4 गुणे 100 करेंगे तो 400, संख्या क्या हो जाएगी 400, क्या हो जाएगी संख्या 400 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 400। मैं इसे दोबारा समझा रहा हूं, एक बार ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% लड़के गणित अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 27% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। जब हमने दोनों को उत्तीर्ण उत्तीर्ण कर दिया, दोनों को पास कर दिया, तो बीच वाला भी पास होना चाहिए। तो जब दोनों विषय में 27% अनुत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने हुए 100 में से 27 निकाल दिया, बचा 73, सभी उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो गए। अब केवल अंग्रेजी केवल गणित निकालकर सभी को जोड़ दिया तो पता चला कि 62% विद्यार्थी ऐसे थे जो उत्तीर्ण हुए हैं, और कह रहा उनकी संख्या 248 है। तो 62% बराबर 248, 1% बराबर 248/62, कुल पूछा है मैंने 100, तो काटेंगे 4 × 100 मैंने 400, इसका उत्तर होगा उस परीक्षा में कुल विद्यार्थियों जो संख्या थी वो कितनी थी, वो 400 थी। इस प्रकार आज की प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है, और इसके बाद अगली सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके मन में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रश्न आया हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का पूरा पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कभी भी फिर यहाँ से भविष्य में ना प्रश्न गलत हो, न यहाँ से कोई समस्या आपके लिए उत्पन्न हो। तो जो भी साथी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, फटाफट कमेंट करके सवाल पूछेंगे, या जो समझ में नहीं आया उसे दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, पूरी सीरीज आप देखिएगा, तब तक देखिएगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक इस वीडियो को आप लगातार देख सकते हैं। जी हाँ, आपके मन में कोई सवाल हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। जो भी लाइव देख रहे हैं कोई सवाल नहीं है, बता जल्दी से आप लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी का, आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी और नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करेगा, बिना स्पेस के इलेनिक दुर्गेश से जुड़िएगा, फेसबुक पेज इलेनिक दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनिक दुर्गेश, ट्विटर इलेनिक दुर्गेश है, आप हमारे साथ जुड़कर अन्य चीज़ों की भी तैयारी लगातार कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।